कोरियन मूवीज सच में बियॉन्ड इमेजिनेशन होती है एंड उनके सामने हॉलीवुड मूवीज भी पानी कम चाहे। हमारे दिल और दिमाग के साथ कैसे खेलना है वो कोई कोरियन मूवीज से सीखे। तो मैं आ गया आपके लिए 12 ऐसी कोरियन मूवीज लेके जो लिटरली आपके होश उड़ा देगी। एंड सबसे बेस्ट बात है कि ये 12 की 12 मूवीज हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको क्वालिटी मूवीज एंड सीरीज देखना पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हम साथ मिलकर क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कर पाए। नंबर 12 पे 2006 की हॉरर एक्शन मूवी द होस्ट। एक अजीब सा लोगों को अपना शिकार बनाता है एंड उन लोगों में एक लड़की भी होती है, तो उसकी फैमिली उस मॉन्स्टर से उसे बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देती है। इस मूवी में आपको ड्रामा, हॉरर, एक्शन सब देखने को मिलेगा एंड भले ही मूवी 2006 की हो पर VFX ऑन पॉइंट है। मूवी एकदम परफेक्ट नहीं है एंड कोई कोई पार्ट आपको बोर जरूर करेगी पर इसे एक ट्राई देना तो बनता है एंड आप इसे फैमिली के साथ YouTube एंड MX Player पे देख सकते हो। नंबर 11 पे 2017 की एक्शन क्राइम मूवी फैब्रिकेटेड सिटी। एक गेमर को मर्डर के चार्ज में फंसाया जाता है तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर सच का पता लगाता है। ये मूवी एक्शन से भरपूर है प्लस जिस तरह मूवी में टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है ना वो चीज आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ कुछ जगह मुझे मूवी थोड़ी स्लो लगी पर शायद आपको ऐसा ना लगे। तो अगर आपको ये मूवी देखना है तो आप इसे फैमिली के साथ यूट्यूब एंड MX Player पे देख सकते हो। नंबर 10 पे 2016 की हॉरर थ्रिलर मूवी द वेलिंग। एक गांव में एक अजनबी के आने से कई ब्रूटल मर्डर्स होते हैं। अब उन मर्डर्स के पीछे इंसान है या हैवान ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। लेकिन ये मूवी सबके लिए नहीं है क्योंकि इसे देखते वक्त आपको पेशेंस रखना होगा तो ही ये मूवी आपको पसंद आएगी एंड आप अपना दिमाग लगाने पे मजबूर हो जाओ ऐसी मूवी है ये। पर कहना पड़ेगा इसका हॉरर और थ्रिलर एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो अगर आप मूवीज को पेशेंटली देखना पसंद करते हो तो ये मूवी Amazon Prime एंड YouTube पे अवेलेबल है। फ्यू बोल्ड सीन एंड ब्रूटल वायलेंस के कारण मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे फैमिली के साथ मत देखना। नंबर 9 पे 2017 की स्काईफाई एडवेंचर मूवी ओगजा। इस मूवी में हमें एक लड़की और ओगजा नाम के एक जानवर का बॉन्डिंग बताया गया है। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब एक मल्टीनेशनल कंपनी ओगजा को उस लड़की से छीन लेती है। मूवी हमसे इमोशनली कनेक्ट होने में पूरी कामयाब होती है प्लस इसका VFX भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड था। एक पल के लिए भी नहीं लगता कि वो एनिमल फेक है। इस मूवी के डायरेक्टर है बॉन जंग हू और ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने द होस्ट मूवी भी डायरेक्ट किया था। क्यों बॉन जंग हू वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर है आपको धीरे धीरे इस वीडियो में पता चल जाएगा। पर ओगजा की बात करें तो ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी तो हो सके तो इसे एक ट्राई जरूर देना एंड आप इसे फैमिली के साथ नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। नंबर 8 पे 2012 की थ्रिलर एक्शन मूवी कन्फेशन ऑफ मर्डर। एक सीरियल किलर अपने क्राइम को सभी के सामने कन्फेस करता है जो उसने बहुत साल पहले किए थे एंड एक डिटेक्टिव उसे सजा दिलाने की पूरी कोशिश करता है। डिटेक्टिव एंड किलर के बीच के चूहे बिल्ली का खेल देख के आपको बहुत मजा आएगा। ये मूवी थोड़ी सी हटके है एंड अक्सर मूवी में वो ट्विस्ट होता है ना जो मूवी का रुख ही बदल दे, तो बस इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही ट्विस्ट है। लेकिन मुझे इस मूवी का एक्शन सीन उतना पसंद नहीं आया वरना मैं इसे टॉप 5 में जरूर रखता। पर ओवरऑल मूवी एक मस्ट वॉच है एंड ये अनऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल है। मूवी में कोई बोल्ड सीन तो नहीं है पर बहुत ब्रूटल वायलेंस है तो आप डिसाइड करना कि आपको इसे फैमिली के साथ देखना है या नहीं। नंबर 7 की मूवी बवाल है। मैं बात कर रहा हूं 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी अ हार्ट देखी। गलती से एक डिटेक्टिव अपने कार से किसी को उड़ा देता है और समझो वहीं से उसका बुरा वक्त चालू। अगर आपका दिन बुरा चल रहा है तो बस ये मूवी देख लो आपको अपना बुरा दिन भी अच्छा लगने लगेगा। हमारे पसीने छूट जाते हैं जिस तरह वो डिटेक्टिव बुरे से बुरा सिचुएशन संभालता है। ट्रस्ट मी ये मूवी इतनी थ्रिलिंग है कि आप अपना नाखून चबाने लग जाओगे और कोई कोई मूवमेंट तो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो अगर आपको एक्शन एंड थ्रिलिंग मूवीज देखना पसंद है इस मूवी को गलती से भी मिस मत करना एंड आप इसे फैमिली के साथ अनऑफिशियली हिंदी में देख सकते हो। अब जो मैं 6 मूवीज आगे बताने वाला हूँ वो सबके सब लिटरली टॉप 1 डिजर्व करते हैं पर यार किसी को 6 पे और किसी को 1 पे तो रखना ही होगा, इसलिए मैंने उन 6 मूवीज को IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज किया है। पर ट्रस्ट मी ये 6 की 6 मूवीज एक मास्टरपीस है। चलिए देखते हो 6 मूवीज कौन सी है। तो नंबर 6 पे टाइम मूवी है। मैं बात कर रहा हूँ 2020 की थ्रिलर फैंटेसी मूवी द कॉल की। एक लड़की कॉल लगाती है एंड वो कॉल डायरेक्ट 20 साल फ्यूचर में लगता है। इस मूवी का कंसेप्ट ही माइंड बेंडिंग है तो सोचो ये मूवी कैसी होगी। मैंने इस मूवी के बारे में इस चैनल पे बहुत बार बोला है और आज फिर बोल रहा हूँ। समझ लीजिए ये मूवी सभी टाइम ट्रेवल मूवीज का बाप है एंड भाई ये मूवी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा एंड आप इसे नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। मूवी में कोई बोल्ड सीन तो नहीं है पर बहुत ब्रूटल वायलेंस है तो आप डिसाइड करना कि आपको ये मूवी फैमिली के साथ देखना है या नहीं। नंबर 5 पे 2013 की स्काईफाई एडवेंचर मूवी Snowpiercer। साउथ
साउथ कोरियन मूवीज के विजन का लेवल क्या है वो ये मूवी हमें बताती है। ऐसी मूवीज सच में बहुत रेयरली बनती है। कहानी कुछ ऐसी है कि दुनिया में आईसीज आ गया है और जितने भी लोग बचे हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए पूरी जिंदगी एक ट्रेन में बितानी होगी, पर उस ट्रेन में ऐसी ऐसी चीज होती है ना जो सच में आपके होश उड़ा देगा। हर एक एस्पेक्ट में मूवी A1 थी। और हो भी क्यों ना, इस मूवी को भी बॉन्ग जोंग हो ने जो डायरेक्ट किया है, इसका कंसेप्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन है। ऐसी मूवीज को मिस नहीं करते। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखा तो प्लीज टाइम निकाल के मूवी देखना। एंड ये मूवी MX प्लेयर में अवेलेबल है। मूवी में कोई बोल्ड सीन तो नहीं है, पर वॉयलेंस भर भर के। नंबर 4 की मूवी आपको पसंद ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ 2018 की एक्शन मिस्ट्री मूवी द विच पार्ट 1 द सबवर्जन की। स्टोरी एक सिंपल स्कूल गर्ल की, पर जब हमें उसके पास्ट के बारे में पता चलता है तो पूरी कहानी पलट जाती है। ये मूवी ड्रामा से थ्रिलर में कब बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड इस मूवी के एक्शन सीन्स की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। बस एक बार ये मूवी चालू करो, आप भी मेरी तरह इसके फैन हो जाओगे। अब बस मुझे वेट है इसके पार्ट 2 का। प्लीज भाई इसे जल्दी रिलीज करो, अब सब्र नहीं होता। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप इसे प्राइम में देख सकते हो। मूवी में कोई बोल्ड सीन तो नहीं है, पर इसमें बहुत ब्रूटल वॉयलेंस है। अब ट्रिकी और बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूं। नंबर 3 की मूवी से ही मैंने अपनी कोरियन मूवीज की जर्नी स्टार्ट की थी। मैं बात कर रहा हूं 2016 की हॉरर एक्शन मूवी ट्रेन टू बुसान की। इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आई नो ये मूवी मेजोरिटी लोगों ने देख ली होगी। और जिन्होंने नहीं देखी भाई आप कर क्या रहे हो, अब भी जाके ये मूवी देखो। एंड ये मूवी Amazon प्राइम पे अवेलेबल। अगर आप जॉम्बी मूवीज फैमिली के साथ देखना पसंद करते हो तो आप इसे भी फैमिली के साथ देख सकते हो। नंबर 2 की मूवी तेहलका है। मैं बात कर रहा हूँ 2003 की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ओल्ड बॉय की। एक आदमी को किडनैप कर उसे 15 सालों तक कैद में रखते हैं, फिर एक दिन अचानक उसे छोड़ दिया जाता है। तो अब उस आदमी को इसके पीछे कौन है ये पता लगाना है। मूवी का एक्शन एंड कंसेप्ट तो ऑसम है ही, पर जो चीज इस मूवी को एकदम हटके बनाता है वो है इसका एंड सस्पेंस। भाई बता रहा हूँ इसका एंडिंग देखने के बाद ये मूवी अलग ही लेवल पे चली जाती है। ट्रस्ट मी, आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये मूवी अनऑफिशियली हिंदी अवेलेबल है। एंड गलती से भी इसे फैमिली के साथ मत देखना। नंबर 1 की मूवी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 2019 की थ्रिलर कॉमेडी मूवी पैरासाइट की। एक पुअर फैमिली एक अमीर फैमिली को अपना शिकार बनाती है, और उनका ये शिकार कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मूवी हमें लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। और इस मूवी का थिंकिंग ट्विस्ट एंड थ्रिलर आपका दिल जीत लेगा। इस मूवी को भी बॉन्ग जोंग हो ने ही डायरेक्ट किया है, तो मूवी अच्छी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने ये मास्टरपीस अभी तक नहीं देखा तो आप इसे Amazon प्राइम पे देख सकते हो। एंड ये मूवी भी स्ट्रिक्टली 18+ है। तो ये थे 12 हिंदी डब कोरियन मूवीज जो आपको जरूर 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 देखनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मूवीज में आपकी लैंग्वेज हिंदी डब तक सीमित नहीं है तो आपको इस चैनल पे कोरियन मूवीज की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हो। आपने इस लिस्ट की कौन कौन सी मूवीज देखी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सच एंड अच्छे मूवीज के रिकमेंडेशन आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगे। तब तक के लिए मूवी लवर आपसे विदा लेता है। मिलते अगले वीडियो में किसी मूवी या सीरीज के टॉपिक लेके। Till then, bye bye. See you. Peace out.